और महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिशों का अलर्ट जारी। बादशाह की जानिब से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में नालों की सफाई का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका है। गुलबर्ग, गुलशन राबी, शादमान, पीआईसी समेत दीगर नालों पर कूड़ा ताहाल जमा है। उस्मान लियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मानसून का महीना शुरू होने वाला है। इस हवाले से जो है महकमे मौसमियात के मुताबिक जो बताया गया है कि 15 जुलाई के बाद जो है मानसून का बाकायदा आगाज होगा और उसके साथ साथ जो है अगला हफ्ता भी प्री मानसून का बताया जा रहा है और जो बारिशों का सिलसिला है शुरू होने वाला है। तो इस हवाले से जो वासा हुकाम को है अलर्ट जारी किया गया था शहर के जो नाले हैं उनकी सफाई के हवाले से, ताकि जो बारिशों के दौरान पानी ओवरफ्लो होकर नालों से वादियों में जाता है उससे बचा जा सके। तो इस हवाले से जो हकीकत है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। नालों में सफाई का काम अभी तक शुरू भी नहीं किया गया, तो हम इलाका मुकिनों से जानते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा बारिशों में नालों की क्या सूरत हाल रहती है? मेरे भाई, जब बारिश आती है ये पूरे इलाके में पानी आ जाता है। थोड़ी भी बारिश हो, ये बारिश के बगैर भी पानी बाहर आ रहा है। इसको कोई सफाई करने वाला नहीं है। वो कहते हैं मास्क पहने, फलाना काम करे, कोरोना आता जाता है। ये बताइएगा ये लास्ट टाइम कब सफाई हुई? ये एक माह हुआ है। वो आते हैं एक ट्रैली निकाल के चले जाते हैं, दो पिछड़े उतारते हैं, एक ट्रैली निकाल के ले जाते हैं। वो दो तस्वीरें निकाली, वो सारे जियो पे सेंड कर दी हमने, इतनी गाड़ियां निकाल ली है, उसके बाद कोई नहीं आता। ये बिल्कुल, ये नाले की जो सफाई के इंतजाम है आपके सामने हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इलाका मकीनों का भी यही कहना है कि जो हुकाम है, जो वासा हुकाम है, जो यहाँ पर ड्यूटी तैनात की गई है, वो आते हैं एक आधी ट्राली निकालते हैं, उसके बाद जो है तस्वीर बनाकर उसकी जो रजिस्टर्ड है काम को वो करके चले जाते हैं। लेकिन जो हकीकत है उसके बरक्स है नाले की सफाई अभी तक नहीं हुई और बारिश जो है अब आने का जो अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्लड का भी हदशा जो है महकमे मौसमियात के मुताबिक जाहिर किया गया। तो इस हवाले से जो है इनकी सफाई ज़रूरी है, ताकि जो मसले मसाइल हैं जो बारिशों के दौरान मानसून के दौरान फेस करें वो कम से कम जो हैं दिखाई दें। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। गुलबर्ग, गुलशन राबी, शादमान, पीआईसी समेत दीगर नालों पर कूड़ा ताहाल जमा है। उस्मान लियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मानसून का महीना शुरू होने वाला है। इस हवाले से जो है महकमे मौसमियात के मुताबिक जो बताया गया है कि 15 जुलाई के बाद जो है मानसून का बाकायदा आगाज होगा और उसके साथ साथ जो है अगला हफ्ता भी प्री मानसून का बताया जा रहा है और जो बारिशों का सिलसिला है शुरू होने वाला है। तो इस हवाले से जो वासा हुकाम को है अलर्ट जारी किया गया था शहर के जो नाले हैं उनकी सफाई के हवाले से, ताकि जो बारिशों के दौरान पानी ओवरफ्लो होकर नालों से वादियों में जाता है उससे बचा जा सके। तो इस हवाले से जो हकीकत है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। नालों में सफाई का काम अभी तक शुरू भी नहीं किया गया, तो हम इलाका मुकिनों से जानते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा बारिशों में नालों की क्या सूरत हाल रहती है? मेरे भाई, जब बारिश आती है ये पूरे इलाके में पानी आ जाता है। थोड़ी भी बारिश हो, ये बारिश के बगैर भी पानी बाहर आ रहा है। इसको कोई सफाई करने वाला नहीं है। वो कहते हैं मास्क पहने, फलाना काम करे, कोरोना आता जाता है। ये बताइएगा ये लास्ट टाइम कब सफाई हुई? ये एक माह हुआ है। वो आते हैं एक ट्रैली निकाल के चले जाते हैं, दो पिछड़े उतारते हैं, एक ट्रैली निकाल के ले जाते हैं। वो दो तस्वीरें निकाली, वो सारे जियो पे सेंड कर दी हमने, इतनी गाड़ियां निकाल ली है, उसके बाद कोई नहीं आता। ये बिल्कुल, ये नाले की जो सफाई के इंतजाम है आपके सामने हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इलाका मकीनों का भी यही कहना है कि जो हुकाम है, जो वासा हुकाम है, जो यहाँ पर ड्यूटी तैनात की गई है, वो आते हैं एक आधी ट्राली निकालते हैं, उसके बाद जो है तस्वीर बनाकर उसकी जो रजिस्टर्ड है काम को वो करके चले जाते हैं। लेकिन जो हकीकत है उसके बरक्स है नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई और बारिश जो है अब आने का जो अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्लड का भी हदशा जो है महकमे मौसमियात के मुताबिक जाहिर किया गया। तो इस हवाले से जो इनकी सफाई ज़रूरी है, ताकि जो मसले मसाइल हैं जो बारिशों के दौरान मानसून के दौरान फेस करें वो कम से कम जो हैं दिखाई दें। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।